नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी के नेतृत्व में वाली एनडीए में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और केंद्रीय मंत्री और साथ ही अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर कहा है कि हमने अपनी मांग बीजेपी के सामने रखी थी और समय दिया था कि लेकिन अनसुना कर दिया गया और अब हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी तक का समय यहाँ पर दिया था लेकिन यहाँ पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि अपने सहयोगियों से कोई लेना देना नहीं है और अब अपना दल यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र है और हमने पार्टी की बैठक बुलाई है जो कि यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा और उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। अनुप्रिया पटेल ने अलग चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। और चलिए बात करेंगे उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के भी सोपोर में सुरक्षा बलों ने यहां पर कई आतंकियों को घेर लिया है और इसमें लश्कर का कमांडर सज्जाद भी शामिल है। और वहीं उत्तरी कश्मीर में भी लश्कर की गतिविधियों को लेकर भी यहां पर संचालित करता रहा है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सोपोर की वारपुरा इलाके में सेना सीआरपीएफ और साथ ही एसओजी की टीम ने दोपहर 2:30 बजे घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इसमें जिस मकान में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी यहां पर सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। और आपको बता दें कि सामने पहुंचे यहां पर सुरक्षा बलों ने वार्निंग शॉट भी किए, दूसरी ओर से भी फायरिंग होना शुरू हो गया था जिसका सामना यहां पर भारतीय सुरक्षा बलों ने डटकर किया और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुजफ्फरनगर पहुंचे जहां उन्होंने यहां पर 5,000 करोड़ की लागत की योजनाओं की सौगात दी है और मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में भी कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का मौन रखकर की है और जिसके बाद जनता को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा है कि जल्द ही यहां पर गंगा में जलमार्ग की शुरुआत हो जाएगी और दिल्ली यमुना से भी प्रयागराज जलमार्ग से ही जाने का यहां पर डीपीआर तैयार कर लिया गया है और साथ ही जिसे अब नौका से दिल्ली से प्रयागराज जाया जा सकेगा और इसके अलावा दिल्ली से मुंबई का सफर भी आसान करने के लिए सिर्फ 2.5 साल के भीतर ही दिल्ली से मुंबई हाईवे का भी निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और जिसके बाद केवल 12 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई तक का सफर गाड़ी से तय किया जा सकेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लोकभवन में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए यहां पर योजना चला रही है और अब बालिकाओं को यहां पर कुपोषण से दूर करने के लिए भी सरकार काम करेगी, इस योजना से कुपोषण खत्म होगा। और वे इस मौके पर अनुपमा जायसवाल, महेंद्रनाथ पांडे और साथ ही कई यहां पर नेता भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश की उन लाखों बालिकाओं को जिन्हें इस योजना से लाभ मिल पाएगा उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उन बालिकाओं तक शासन की इन योजनाओं को सफलतापूर्वक पहुंचा पाएंगे इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। समाज के सर्वांगीण विकास के संकल्प को पूरा करने की दिशा में स्वस्थ एवं सुपोषित बच्चों, महिलाओं और किशोरियों की महती भूमिका है क्योंकि इस बड़ी आबादी को लक्षित किए बिना विकास एकांगी होगा। इसी लक्षित समूह को सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के क्रम में आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।
आप सब बहनों को बताना चाहूंगा कि केंद्र की वर्तमान और राज्य की वर्तमान सरकार ने जितनी सार्थक पहलें की हैं वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। केवल पुरानी लकीर की तरह इन कामों को औपचारिक काम करते जाएं, इतने तक सीमित नहीं रहे। और ख़ास करके ये जो किशोरी बालिकाओं का जिसकी आज यहाँ योजना शुभारंभ की जा रही है, दो महत्वपूर्ण संस्थाओं से अनुबंध और उन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जो हमारे गांव में, कस्बों में कभी किसी जमाने में दादी और नानी माँ ध्यान देती थी। और समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन की करीब 40 दिन बाद दोनों दलों में सीटों का बंटवारा हो गया और वाराणसी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी की गई यहां पर लिस्ट में समाजवादी पार्टी के खाते की 37 सीटों के साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी को 38 सीटों की जानकारी की साझा की गई है। और राष्ट्रीय लोकदल भी 3 सीटें यहां पर उसको दी गई और यानी कि अब ये साफ हो गया है कि किन सीटों पर एसपी, बीएसपी और रालोद चुनाव लड़ेंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड से भी लेकर महिला हेल्पलाइन 1090 योजना चलाने के बावजूद भी महिलाओं और साथी बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और जहां फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में भी 8 वर्षीय छात्रा का 2 लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की और पर छात्रा ने जैसे तैसे यहाँ पर अपने आप को छुड़ाया और वहीं छात्रा की माँ का कहना है कि यहाँ पर उसके साथ रेप का मुकदमा चल रहा है और जिसको वापस लेने के लिए आरोपी उसे बराबर धमकी दे रहा है और इसी के चलते उसकी बेटी के अपहरण की कोशिश की गई है। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है जिसमें मेरी गवाही चल रही है। उस गवाही वो लोग ने कहा था मुकदमा वापस ले लो ना, तुम्हारे पति को फर्जी केस में फंसा देंगे और तुम्हारे बच्चे लोग को उठा ले जाएंगे ना, जान से पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। तो हमने इसकी सूचना एसपी साहब से की, मगर एसपी साहब का ट्रांसफर हो चुका था। तो हमने कहा हम 2 दिन बाद दे देंगे, जिसकी रजिस्ट्री हमने कर दी। और उसके बाद मेरी बच्ची आज सुबह स्कूल के लिए निकली, तब वो 2 अज्ञात लोग गाड़ी पे बैठे जिसका नाम संबद है, गुड्डू है। ये लोग 2 और कोई देहाती टाइप के आदमी था जिसको उन्होंने रिक्शे में बिठाया और फिर उससे कहा कि तुम आगे पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। वो लड़की अपने स्कूल का रास्ता जानती है, मगर वो स्कूल के बजाय वो कोई और जगह से उसको ले जाने की कोशिश कर। ये अभी इस कार्यक्रम स्थल पर माननीय साध्वी जी आई थी, जहाँ पर ये इन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया है और इस पर इंस्पेक्टर कोतवाली को बुलाया गया है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी बच्ची हैं उनसे इनका जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, तो जो भी जांच होगी पूरी जांच कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई। रिक्शे का वेट कर रहे थे, वहाँ पे एक रिक्शा है, गाँव में था, हमें बता रहा है। तो हम बैठ गए उस रिक्शे पे, तो वो आगे गए तो आगे 2 लोग और बैठे, और 4 लोग थे, 2 अपने रिक्शे पे बैठ गए, 2 बाइक से चले थे। बाइक वाले लोगों ने कहा कि तुम आगे चलो, अभी हम आ रहे हो। बाइक में जो बैठे थे एक गंजा सा आदमी बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक आदमी था हफड़ा सा जो केसर खा रहा था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक वीडियो वायरल हो रहा है और जहां सिपाही पर आरोप लगा है कि यहां पर उसने एक गाड़ी को छुड़ाने के एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। रिश्वत एक विकलांग से मांगी जा रही है और जिसके रिश्तेदार की गाड़ी थाने में बंद है। और वहीं इस मामले में गाजियाबाद की एसपी का भी कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद जाँच पड़ताल की जा रही है और साथ ही सीओ इस पूरे मामले की जाँच करें और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके आधार पर ही आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने यहां पर एक मासूम छात्रा को रौंद दिया और इस हादसे में बताया जा रहा है कि छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला बाराबंकी के यहां पर कुतलपुर मोड़ के पास का बताया जा रहा है, जहां पर फतेहपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उस मासूम छात्रा को कुचल दिया था, जिसके बाद घटना पर ही मासूम छात्रा की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने जो है घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद शव सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और इस अतिरिक्त कार्रवाई करने की मांग की है।
और गाजीपुर में आम उपभोक्ताओं पर ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों पर भी विद्युत विभाग का करोड़ों रुपए का बकाया है। पुलिस लाइन, विकास भवन, जिला अस्पताल सहित यहां पर कई विभागों को बकाया जो है बकाया भुगतान करने को लेकर रकम जो यहां पर पड़ी है, आपको बता दें कि उसका रकम 6,94,93,757 रुपए बकाया बताए जा रहे हैं। और बकायादारों की यहां पर लिस्ट में कुछ साल पहले बनकर तैयार हुआ रेलवे ट्रेनिंग सेंटर भी शामिल है। विभाग की तरफ से बार बार बकाया जमा करने की अपील की जा रही है, लेकिन बकायादार विभाग के जो है कोई कदम उठा नहीं रहे हैं और यही कारण है कि सरकारी विभाग होने की वजह से बिजली विभाग भी इन विभागों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कानपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सवार को लोडर ने टक्कर मार दी और सामने से आ रहे टक्कर होने के बाद से ही आपको बता दें कि यहां पर जो है लोडर के नीचे आकर फंस गई थी और युवक बुरी तरह से घायल हो गया और जबकि उसकी पत्नी और मासूम बच्चे की मौत हो गई। और मुजफ्फरनगर की राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे और तभी मंच से बोलते हुए खतौली विधानसभा से विधायक विक्रम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि यहां पर पाकिस्तान को परमाणु बम से उड़ा देना चाहिए और विधायक ने कहा है कि तब यहां पर तब तक बोल दिया जाए और लड़ाकू विमान यहां पर भी दो कि हम जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने और शहीद हो जाएंगे। साथ ही विधायक ने कहा है कि एक वर्ष के लिए यहां पर सभी विकास कार्य रोक दें और साथ ही उन्हें पैसों से हथियार खरीद लें जो जनता के विकास कार्य नहीं बल्कि पाकिस्तान को खात्मा करने के लिए चाहिए। कौशाम्बी पुलिस ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जिसमें पुलिस नए रोल में यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस के जवान ग्रामीण इलाकों में जाकर यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर पार्टी को किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं उसकी एक यहां पर छायाप्रति 7 सेकंड के लिए वीवीपैट में आपको दिखाई देगी और जिसमें आम नागरिकों में भी ईवीएम के प्रति जो यहां पर भ्रांति आप दूर जो है फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश की गई है और इसमें महिला पुलिसकर्मियों का भी अहम रोल रहा है और इसके लिए पुलिस लाइन में ईवीएम और साथ ही वीवीपैट का भी पुलिस के जवानों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया था और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। और एसपी पाटी युवा जन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष चौधरी ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के परिवारों को भी यहां पर जिलाधिकारी के माध्यम से 11,000 की राशि दी है और कहा है कि सभी एसपी पार्टी के यहां पर लोग बढ़ चढ़ कर शहीदों के परिवारों के लिए आगे बढ़ें और हिस्सा लें ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके। और वहीं उन्होंने मोदी सरकार से कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर शहीदों का बदला लेते हुए पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करें और सभी एसपी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। आज अपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनके परिवार के लिए डीएम के माध्यम से जो सहायता राशि है 11,000 रुपये हमने डीएम के माध्यम से सहायता राशि जमा करने के जमा की जिससे शहीद के बच्चों का परिवार का जो हो सके जितना हो सके करने का प्रयास किया और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ का हिस्सा लें जिससे उनके परिवार को पालन पोषण हो सके। ग्रेटर नोएडा में बाबरिया गिरोह के भी दो यहां पर बैंक डकैतों का पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और ये दोनों आरोपी पति पत्नी हैं जो हत्या और साथ ही लगभग आधा दर्जन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और इन बदमाशों पर कानपुर सहित गौतम बुद्ध नगर में भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से सोने चांदी के जेवर और साथ ही हजारों की नकदी भी बरामद की है। इसके अलावा 8 किलो चांदी के आभूषण इससे बरामद हुए हैं जो कई चोरी की घटनाओं में इसने स्वीकार किया है कि वहां से इसने चुराए हैं। 4 तोला चांदी के सोने के आभूषण है जिसमें झुमके अंगूठी वगैरह हैं। 1 तमंचा और कारतूस भी इससे बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ प्रतापगढ़ और अन्य एक जनपद की बैंक डकैती बैंक लूट की घटनाओं में जो पैसे इसने लूटे थे वो पैसे की भी बरामदगी इसमें हुई है।
रायगढ़ जिले में नगर सेना ने भी आपदा सर्विस डीएमओ का भी प्रशासनिक निर्देश के यहाँ पर अनुरूप स्कूलों में छात्र छात्राओं को आग लगने से बचने के लिए और बुझाने के उपाय बढ़ाए। आपको बता दें कि उनको जानकारी दी है और फायर ऑफिसर यहाँ पर अनिल वैद्य ने भी बताया कि आग लगने पर उसे बुझाने के पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी होता है कि आग किस तरह की है और उसी आधार पर रासायनिक पदार्थ का उपयोग भी किया जाना चाहिए। शासन के निर्देश थे कि स्कूलों में जाके जो आठवीं से लेकर बारहवीं तक के बच्चे हैं उनको आग से बचने के हेतु डेमो दिया जाए और ट्रेनिंग दिया जाए इस चीज की कि मतलब ऐसे आपदा होती है अचानक उसको किस तरह से बचाव किया जाता है और कौन कौन सी आग को बुझाने के लिए क्या क्या केमिकल यूज किया जाता है इसकी जानकारी बच्चों लोग को दी जा रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चों को जैसे बाढ़ में कोई डूब रहा है उसको बचाने का तरीका, कोई दुर्घटना में घायल हो गया उसको स्ट्रेचर पर ले जाने की तरीका, ये सब बताया गया है। रामनगर के बहुन क्षेत्र से भी 2 किलोमीटर दूर भखराकोट नाले में भी एक घायल हाथी विगत 4 दिनों से खड़ा हुआ है और वहीं इस घायल हाथी की टांग में चोट बताई जा रही है जिस कारण इसे चलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और बावजूद इसके ये हाथी कॉर्बेट टाइगर जो कि यहाँ पर सीमा के अंदर होने के बाद भी इसका कोई यहाँ पर कोई उपचार नहीं हो रहा है और इससे जिम्मेदार महकमे की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। वन्य जीवों की सुरक्षा का भी दावा करने वाले कॉर्बेट पार्क प्रशासन की भी हकीकत की यहाँ पर पोल खुल रही है कि जंगल में वहां पर किस प्रकार से वन्य जीवों की देखरेख करते हैं। महान से आगे भगरकोट के नाले में 3-4 दिन से हाथी खड़ा है, उसका कोई टीम नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, कोई देखभाल नहीं उसकी और पैर में बहुत ज्यादा जख्म है उसका हाथी का। और भगरकोट में महान से 2 किलोमीटर आगे भगरकोट नाले में खड़ा है वो। और मथुरा के थाना छाता कोतवाली इलाके में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए आए बच्चे की मौत का आरोप लगवाया जा रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर कि मृत बच्ची के परिजन बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाने के लिए लाए थे और टीका लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी जिसके कारण ही उसकी मौत हो गई है और जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर हंगामा किया और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही यहाँ पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। कारण था तो अभी कुछ ऐसा नहीं मालूम पड़ा है क्योंकि हमने भी हमारे घर वालों से मिले हैं लेकिन उन्होंने ऐसे प्रॉपर हमें कोई हिस्ट्री नहीं बताई है कि बच्चे ने मरने का कारण क्या है। ये कि उनका जो कहना है कि बच्चा टीका लगने से मरा है तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक वॉल में से जिसमें 5-6 बच्चों लगता है वो सारे बच्चे सही हैं, एक ही बच्चों को दिक्कत हुई है। और रही बात ये था कि बच्चे को टीका सुबह लगा था और ये पूरे दिन उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, शाम को दिक्कत हुई बच्चे को, ये हमारे अस्पताल लेके नहीं आए, ये पता नहीं कहाँ लेके गए हैं और वहाँ पर फिर बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। क्या हमारा बच्चा मार दिया इन्हें और मतलब ये क्या इंजेक्शन कौन सा लगा दी भाई। कानपुर के महाराजपुर हाईवे पर एक बाइक सवार परिवार को मैजिक ने टक्कर मार दी है और जिससे यहां पर महिला और साथी उसके 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है और वहीं बाइक चला रहा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और बदायूं जिले की उसामा थाना क्षेत्र के भी करोड़ी सैदपुर गांव में भी यहां पर सफाईकर्मी के इलाज के दौरान बरेली के निजी अस्पताल में मौत हो गई है और वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी का भी कहना है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के घर वालों की यहां पर ओर से 2 लोगों पर ही मारपीट का मामला दर्ज हुआ है और वहीं घायल कर्मचारी रघुवीर के इलाज के दौरान मौत हो गई है जिसका मुकदमा हत्या में तहरीर यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, नगर पालिका के कर्मचारी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था 307 में कुछ दिन पूर्व और दौरान इलाज बरेली में संभवतः उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु के आधार पर वो मुकदमा की धारा तरमीम करके 302 में परिवर्तित कर दिया गया है, शीघ्र ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मौत की साय में खेलते गाजीपुर की प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो यहाँ पर बिना भय के ही स्कूल की कैंपस में मस्ती से खेल रहे हैं और जी हाँ, ये तस्वीर गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के
फॉक्सगंज प्राथमिक विद्यालय की हैं, जहां पर तकरीबन 50 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। लेकिन अगर विद्यालय में सुरक्षा की बात की जाए तो यहां पर हाईटेंशन तार से बचाव के लिए बिजली विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है और मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि यहाँ पर इसकी जाँच कराई जाएगा और साथ ही अगर जर्जर तार यहाँ पर हैं तो उसको भी बदलवाने के काम के जो है किया जाएगा और हाई टेंशन तार को सुरक्षित किया जाएगा ताकि तार टूटने के बाद भी जमीन पर ना गिरे। उन्नाव जिले के औरसा जो है थाना क्षेत्र में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही एक निजी वोल्वो बस के पलट जाने से 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 12 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और वहीं सभी घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया है। और उन्नाव के कटरी पीपर खेड़ा क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकालकर विरोध जताया और बताया जा रहा है कि बांगरमऊ स्टेशन रोड पर स्थित राष्ट्रीय सहारा बैंक और साथ राष्ट्रीय सहारा बैंक शाखागंज मुरादाबाद के भी सभी कर्मचारी स्टेशन रोड शाखा से ठाकुर जसा सिंह शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे और जिसके बाद कर्मचारियों ने हाथों में कैंडल लेकर जो है नारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी सरकार से ये मांग है जो हमारे 45 शहीद हुए हैं सैनिक उनके आक्रोश में लोगों ने रैली निकाली है कि सरकार को एक ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि ऐसा ये दोबारा नंदा काम ऐसा ना हो पाए नहीं करना। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे लाइव 24। नमस्कार।